अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब सिस्टर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मैंने अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन पे बनाई है। पिछली वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था मैं मॉर्निंग टू नाइट रूटीन बनाऊंगी, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मैंने उसको इवनिंग तक रोक लिया था। यहाँ पे मैं स्टोव को साफ कर रही हूँ। वैसे तो हमारी जो मेड है वो इसको डेली साफ़ करती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही साफ़ करती हूँ स्टोव को। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला जो इसका एरिया स्टोव का वो अच्छे से साफ़ कर लिया है आज। और इसका जो नीचे का पार्ट है वो मैं ऐसा ऐसा फिर आने वाले दिनों में साफ़ करती रहूँगी, अंदरूनी इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। और अभी मैं इसको ऐसे इसका ग्लास जो है उस पर ग्लास क्लीनर मैंने लगा दिया है। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि ये जो भी चीज़ें मैंने इस पर लगाई हैं वो थोड़ा अपना काम कर लें, उसके बाद मैं इनको साफ़ करूँ। ये जो पार्ट है काफ़ी गंदा हो गया था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा मैं साफ़ करती हूँ। छुरी के साथ जो है इसमें से काफ़ी कचरा निकल आया। ये काम तो ख़त्म हो गया। अब डिनर के लिए जो है वो हमें रोटियां जो है वो बनानी है तो मैं रोटियां बना लूँगी यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, और इसके साथ साथ हो सके तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर दीजिएगा। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। एक कमेंट था जो काफ़ी देर पहले मेरी एक वीडियो पे आया था, तब मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड करने काफ़ी कम कर दी थी। तो उस टाइम पे एक किसी ने ऐसे कमेंट किया था कि पाकिस्तान के जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी वीडियोस बना रही हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, चंद एक को छोड़ के बाकी सब जो है वो फालतू की वीडियोज़ अपलोड करती हैं और बस इनको सोशल मीडिया पे आने का शौक़ है। ऐसे मतलब एक कमेंट था, तब उस टाइम पे मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह अपलोड करनी छोड़ रखी थी। तो ये कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा तो नहीं लगा और मैंने सोचा कि जिन्होंने कमेंट किया है मैं जाके ज़रा उनका चैनल भी विज़िट करूँ। तो पहले तो उस चैनल पर मुझे एक ही वीडियो नज़र आई और वो भी उन्होंने कुछ इसी तरह की वीडियो बना रखी थी जैसे बहुत ही किसी की चीज़ को उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उसको वो खोल रही थी और सिर्फ विदाउट एडिटिंग ही वो वीडियो जो है अपलोड हुई हुई थी। और वीडियो जो थी वो जो है मैंने जैसे आगे आपको बताया विदाउट एडिटिंग, बस ऐसे ही थोड़ी सी चीज़ ऑनलाइन मंगवाई थी उसकी वीडियो बना के अपलोड की गई थी। तो आप ये देखें कि कभी भी आप डिसहार्ट ना हो, जो भी आपको कुछ कहता है दुनिया में चाहे कमेंट्स में कहे या जैसे वैसे ही आपको कहे, ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो वाकई में आपको गलत समझ रहा है और इसलिए ऐसा कह रहा है। देखिए कि एक बंदी जो है उसने खुद जो इस तरह से
करने की, वो खुद भी वो यही काम कोशिश कर रही है लेकिन उससे खुद भी सही तरह से नहीं हो रहा, लेकिन दूसरों पे वो इस तरह से कड़ी तनकीद करके जा रही हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं वो सिर्फ फजूल वीडियोस बना के अपलोड करती हैं, उनकी वीडियोस का कोई फ़ायदा ही नहीं होता चंद देख के सिर्फ। तो जब खुद उन्होंने ट्राई की हुई तो वो जो ट्राई थी कि ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आपको कुछ कह रहा है वो खुद वो अचीव करने की कोशिश ना कर रहा हो, और जब अचीव नहीं हो पाता तो फिर वो इस तरह से दूसरों को डिसाइड करते हैं। तो चलिए बातों बातों में जो हमारा रोटियां पकाने का काम है वो भी ख़त्म हो गया है, और रोटियां जो है हमारी यहाँ पे बन गई हैं, एक थोड़ा सा पेड़ा बच गया था छोटा सा तो उसकी भी मैंने रोटी बना ली, साथ में हमारे शामी भी रेडी हो गए हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना की जो चटनी बना के रखी थी और उसको मैंने दही में मिक्स कर लिया है। तो जैसा कि आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ, तो जिस दिन बच्चों का अगले दिन स्कूल ना हो और हमें कुछ लेना हो तो हम लोग डिनर से पहले चले जाते हैं, क्योंकि पापा का तो उनके ऑफिस होता है, तो फिर जब वो आते हैं उसके बाद हम लोग जो भी कुछ लेना होता है वो लेने चले जाते हैं। और इस वक्त भी हम लोग थोड़ा सा हमारी जो चीज़ें वगैरह थी ख़त्म थी वो लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे मैंने सोचा कि मेडिकेम जो है वो ट्राई करती हूँ फिर से काफ़ी अर्से बाद, तो मैंने मेडिकेम टूथपेस्ट ली है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा पाकिस्तान के जो गोल्डन पर्ल है और इनका पूरी रेंज यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के जो फायज़ा क्रीम और गोल्डन पर्ल ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, ख़ासतौर पे जो यहाँ पे फिलिपाइन की लेडीज़ हैं उनको फायज़ा क्रीम काफ़ी पसंद है और वो यहाँ से पाकिस्तान की जो है ये क्रीम्स यूज़ करती हैं। यहाँ पे अक्सर में जो क्रीम्स हैं ये वाली ये इस तरह से आती हैं कि इनमें जो भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं इनके वो कम कर देते हैं ताकि यहाँ पे इनको बैन ना किया जाए, इसलिए यहाँ पे वो थोड़ी सी लाइट वर्जन भेजते हैं। मैंने यहाँ पे गार्नियर का एक क्लेंजर लिया है, ये तंदूरी मसाला, और एक मैंने मटन बिरयानी का मसाला भी लिया। ये हमारे फेवरेट चावल है यहाँ पे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छे बनते हैं ये। और किसी ऐसे दिन जिस दिन बच्चों को नेक्स्ट डे छुट्टी हो और हमने रात को कहीं भी शॉपिंग वगैरह पे नहीं जाना, कुछ लेने नहीं जाना, तो हम लोग पार्क में आ जाते हैं यहाँ पे वॉक के लिए। तो आज भी हम लोग, ये एक दूसरा दिन है, इस दिन हम लोग कहीं पे कुछ लेने नहीं गए थे तो हम लोग इस दिन आए थे पार्क में वॉक के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा रश रहता है जब अगले दिन छुट्टी हो बच्चों को, तो पार्क काफ़ी फुल रहता है 8 बजे तक, 10 बजे तो वैसे पार्क की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो 10 बजे तक सब लोग बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलते रहते हैं। और इस वक्त तकरीबन 20-25 मिनट की वॉक के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, और मैंने तो एक ही राउंड लगाया था, काफ़ी बड़ा राउंड है इसका, पार्क काफ़ी बड़ा है तो राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है।
पार्क से वापस आने के बाद मुंह हाथ और पांव अच्छे से बच्चे धो लेते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं अपने। अब बच्चों को मुझे सोने से पहले दूध देना है और फिर मैंने उनको दूध देने के बाद मेडिसिन खानी है। अब थोड़ा सा दूध मैं अपने लिए गर्म करूँगी। यहाँ पे रोटियों वाले कुछ रुमाल थे जो धोने वाले पड़े थे, तो मैंने उनको वॉश कर लिया है अच्छे से निचोड़ के। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अब इनको फैला दूँगी ताकि सुबह तक ये सूख जाएं। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।